आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारी दुआएं और शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नहीं है कोई शब्द, नहीं है कोई शब्द, कैसे करूं धन्यवाद, बस चाहिए हर पल मुझे मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद। हूँ जहाँ आज मैं उसमें बड़ा है योगदान, उन सब का जिन्होंने दिया है मुझे इतना ज्ञान। किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही ना हुआ होता अगर जिंदगी को जिंदगी बनाने वाला गुरु ही ना मिला होता। एक बच्चे की मुलाकात उसके शिक्षक से उस समय उस दिन होती है जो दिन बेहद अलग होता है, क्योंकि उस दिन उसके माँ बाप एक रोते हुए छोटे से बच्चे को अपने से दूर कर रहे होते हैं और एक अनजान व्यक्ति के पास छोड़ रहे होते हैं, और वो होता है शिक्षक। तो यहीं से शुरू करते हैं। तो एक छोटे से बच्चे को अपने पेरेंट्स से दूर करने वाले आप थे, यानी आप मीन्स टीचर, और फिर कुछ ही दिनों में उसके दूसरे माँ बाप बनने वाले भी आप ही थे। मुझे ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल सिखाने वाले आप थे, और मुझे इतने हक से डांटने वाले भी आप ही थे। मेरे पढ़ने की ख्वाहिश आप थे, मेरे कुछ कर गुजरने का जज्बा भी आप थे। मेरे घर पर शिकायत लेकर आने वाले भी आप थे, और क्लास में टॉप करने पर पूरे शहर को बताने वाले भी आप थे। मेरे पांच मिनट लेट होने पर मुझे क्लास से निकालने वाले भी आप थे, और मुझे वक्त की अहमियत सिखाने वाले भी आप थे। मैंने दूसरों की गलतियां माफ करना आपसे सीखा जब क्लास में मेरी शरारत को आपने नज़रअंदाज कर दिया। मेरे करियर की रेलगाड़ी को धक्का देने वाले भी आप थे, और यात्रा में असुविधा के कारण भी आप थे। I always remember those inspiring lines of great poet Robert Frost, which my English teacher used to recite. Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. प्रिय बच्चों, ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता है। अपने ज्ञान की कीर्ति को फैलाने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एल्बर्ट आइंस्टीन, विलियम शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसलिए प्रिय बच्चों, मेरा आग्रह है आपसे कि निरंतर सीखते रहिए। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है। शिक्षा वो कवच है बच्चों, जो आपको आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। एक जीवन का अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि साइकिल चलाना तो हम सब जानते हैं, और ये हम सीख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम साइकिल चलाना छोड़ दें और 10 साल बाद कोई आपको बोले कि साइकिल चलाइए, तो ऐसा नहीं है कि आप उसे भूल गए होंगे। वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो बच्चों, पढ़ाई ऐसे करो जो आपको जीवन भर याद रहे, ना कि ऐसी जो साल के अंत तक केवल नंबरों तक सीमित हो।
because I sincerely feel that when you will chase knowledge, numbers will follow. So, my dear students, never stop learning, because learning never stops. Thank you. God bless.